भारत की सीमित ओवर्स टीम के कप्तान रोहित शर्मा फिटनेस कारणों से मौजूदा साउथ अफ्रीका दौरे से बाहर हो गए थे। टीम के दौरे पर जाने से ठीक पहले नेट प्रैक्टिस के दौरान रोहित के बाएं हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आया और उन्हें बाहर होना पड़ा। अब अगले महीने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 6 मैचों की घरेलू व्हाइट बॉल सीरीज में रोहित कमबैक कर सकते हैं। बीसीसीआई के सूत्रों ने बताया, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रोहित का रिहेबिलिटेशन काफी अच्छा चल रहा है, इसके वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए ठीक होने की उम्मीद है। अहमदाबाद में 6 फरवरी से पहला वनडे खेले जाने से अभी 3 हफ्ते बाकी है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में 3 वनडे और इतने ही T20 इंटरनेशनल मैच शामिल हैं। वनडे मैच 6 से 12 फरवरी तक खेले जाएंगे, इसके बाद 15 से 20 फरवरी तक T20 सीरीज का आयोजन होगा। रोहित के लिए हैमस्ट्रिंग एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जिसने उन्हें 2020 और 21 में ऑस्ट्रेलिया दौरे के पहले 2 टेस्ट मैचों के साथ साथ व्हाइट बॉल सीरीज को भी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। इसके बाद उन्होंने बाकी 2 टेस्ट मैचों के लिए सिडनी में 2 सप्ताह के क्वारंटीन के बाद वापसी की थी। बीसीसीआई की नीति के अनुसार प्रत्येक खिलाड़ी को फिट टू प्ले सर्टिफिकेट पाने से पहले अनिवार्य रूप से NCA में फिटनेस टेस्ट के लिए उपस्थित होना पड़ता है। इसके बाद ही चयन समिति को उनकी उपलब्धता के बारे में सूचित किया जाता है। विराट कोहली ने अब टेस्ट प्रारूप में भी कप्तानी छोड़ दी है, ऐसे में रोहित को मौजूदा सेटअप में चोट से मुक्त रहना काफी जरूरी है। टीम इंडिया में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, हमें कहकर अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।